हेलो रिवन, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉर्ट फंक्शन, और उस सॉर्ट फंक्शन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम कोई भी टॉप 3 रिजल्ट्स जो हमारे डेटा के अंदर हैं उनको हम सॉर्ट करके आउटपुट में अपना रिजल्ट कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस आपने हमारी नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, जो कि हमारी बेसिक सीरीज चल रही है सॉर्ट फंक्शन की, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सॉर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और कैसे एक ये जो हमारा एक मैनुअल फीचर है एक्सेल का, उससे कैसे ये अलग है और कितना डायनेमिक और पावरफुल है ये। साथ ही साथ जो ये सॉर्ट फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा। यानी कि जितने भी एक्सेल के वर्जन हैं जो 2021 से पहले आए हैं उन सभी के अंदर आपको ये सॉर्ट फंक्शन नहीं मिलेगा। साथियों, अगर आपको ये फंक्शन फ्री में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको गूगल में जाइए और वहाँ पर आप office.com टाइप कीजिए। वो टाइप करने के बाद आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आप अपना फ्री में अकाउंट बनाइए। वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप उस पर आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको वहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या आउटलुक जैसी तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिल जाएंगी। जैसे हम गूगल शीट्स को यूज़ करते हैं वैसे आप उसको एक्सेल को वहाँ यूज़ कर सकेंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन यूज़ के लिए है, उसको आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, बैक टू आर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे आपके सामने एक छोटा सा डेटा मेरे पास है, इस डेटा के अंदर मेरे पास एक एजेंट के नाम है जो कॉलम सी के अंदर है, उनका रीजन है और उनकी सेल्स है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टॉप 3 एजेंट्स चाहिए जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो, और वो भी सॉर्ट डिसेंडिंग इन रो, मतलब कि जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो सबसे ऊपर आए, जिसकी सेल्स सबसे कम हो सबसे नीचे आए। तो इसके अंदर मेरे को टॉप 3 वो एजेंट्स चाहिए जिनकी सेल्स हाईएस्ट हो। तो इसको हम कैसे विद हेल्प ऑफ सॉर्ट फंक्शन निकालेंगे, अब हम वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फंक्शन के अंदर अकेला सॉर्ट ही नहीं, इसके साथ मैं दो फंक्शन और यूज़ करूँगा, जिसका नाम है इंडेक्स एंड सीक्वेंस फंक्शन। उनको कैसे यूज़ करना है हम वो देखेंगे। अगर आपने अब तक इंडेक्स और सॉर्ट फंक्शन, इंडेक्स और सीक्वेंस फंक्शन को आपने नहीं समझा है तो पहले आप उन्हें समझिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे सॉर्ट फंक्शन से। जैसे मैं इक्वल्स टू सॉर्ट लिखता हूँ, मेरे पास सॉर्ट आ जाता है, मैं टैप प्रेस करता हूँ, वो हमसे पूछ रहा है अरे अरे हमें आंसर में क्या चाहिए, तो हमें आंसर में चाहिए ये सब कुछ। देन मैं कोमा प्रेस करूँगा, इसलिए वो हमसे पूछ रहा है सॉर्ट इंडेक्स, मतलब कि आप किसके बेस पर सॉर्ट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर। जैसे कि अगर आप एजेंट के नेम पर, रीजन के बेस पर, सेल्स के बेस पर, हम सॉर्ट करना चाहते हैं सेल्स के बेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर नंबर 3 लिखूंगा। देन उसने मुझसे पूछा है सॉर्ट इंडेक्स। अब सॉर्ट फंक्शन हमसे पूछ रहा है इंडेक्स, मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे सॉर्ट का, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमें तो टॉप 3 चाहिए, तो हम डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। देन मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अभी तो ये हमको सारा आउटपुट दे रहा है, पर एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसमें रिजल्ट दे दिया है, पर हमको तो यहाँ पे टॉप 3 चाहिए, वो टॉप 3 तो अभी आए ही नहीं। वो टॉप 3 कैसे आएंगे, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इंडेक्स और सीक्वेंस सॉर्ट के साथ में ही। तो उसको F2 करता हूँ और मैं सबसे पहले आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला। अब जो हमें ये अरे पूछ रहा है ना, अरे के अंदर हम इसको इंडेक्स, अरे के अंदर इसको हम देंगे सॉर्ट का फंक्शन। आप सिंपली सबसे लास्ट में जाइए और जस्ट
कोमा प्रेस कीजिए। अब इसने हमसे पूछा है रो नंबर। रो नंबर के लिए हम दोस्तों सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सीक्वेंस ऐसा फॉर्मूला है जो आपसे पूछता है कि आपको एक टेबल के अंदर कितनी रोज कितनी कॉलम्स चाहिए, वो काम सीक्वेंस का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर 3 रो ही चाहिए तो हम इसमें रो ही लिखेंगे। मेरे को 3 चाहिए क्योंकि हमको टॉप 3 की हमारी रिक्वायरमेंट है, और मैं इसको बंद कर दूंगा। देन कोमा। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। दोस्तों कॉलम नंबर, अब हमारा जो आंसर, हमें कॉलम नंबर कौन कौन से चाहिए। यहाँ पर कॉलम नंबर का मतलब ये होता है कि जो हमारा इनपुट था एजेंट नेम रीजन और सेल्स, उसमें से सिर्फ मेरे को चाहिए एजेंट नेम और सेल्स, मतलब कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। पर इसको हम सिंपल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा इसको सिंपल वो लेगा नहीं। मैं इसको लिखूँगा शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन। हमें कॉलम नंबर 1 चाहिए, देन हमें कॉलम नंबर 3 चाहिए, और उसको मैं कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। देन मैं इसको ब्रैकेट से भी बंद कर दूंगा। और जैसे मैं, दोस्तों अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए हमारे पास टॉप 3 जो हमारे एजेंट थे जिनकी हाईएस्ट सेल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों अभी हमारे पास टॉप 3 आ चुके हैं। अगर क्या हो, क्या अभी ये फॉर्मूला डायनेमिक है? डायनेमिक का मतलब सपोज जैसे मेरे पास अभी एक ये माइक है, माइक ब्राउन की जो रीजन है नॉर्थ है, उसकी सेल्स है 502। अगर मैं इसकी सेल यहाँ पर 1000 कर दूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ, तो एंटर प्रेस करने के बाद जो मेरा आउटपुट में रिजल्ट है वो भी डायनेमिकली चेंज होना चाहिए, क्या वो होता है या नहीं? तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली माइक ब्राउन को, उसने अपवर्ड, उसने ऊपर सबसे टॉप पे माइक ब्राउन को ही दिखाया है। तो डायनेमिक में काम तो कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि मुझे टॉप 3 की जगह क्या ये टॉप 5, टॉप 6 या टॉप 2 दिखा सकता है मेरे को? तो दोस्तों बिल्कुल आपको दिखा सकता है। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूला के अंदर जाना है और सीक्वेंस में जहाँ पर आपने 3 को, 3 आपने रोल नंबर दिए थे, वहाँ अगर इसको आप 5 कर दें और एंटर प्रेस करें, तो देखिए आपको ये 5 रिजल्ट, टॉप 5 रिजल्ट दिखा रहा है आपको। तो इसका मतलब ये प्योर डायनेमिक है, मैनुअल नहीं है। तो जो आज की हमारी जो वीडियो थी, इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हम विद हेल्प ऑफ सॉर्ट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन एंड सीक्वेंस फंक्शन, हम कैसे टॉप 3, टॉप 2 या टॉप 5 जो भी आपकी कंडीशन हो, उनको हम एक सॉर्ट के हेल्प की मदद से आउटपुट में लेके आ सकते हैं। और इससे जो हमारी रिपोर्टिंग है, जो हमारे रिपोर्ट्स हम जो बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें भी बहुत ही हमारे पास बेनिफिशियल और पावरफुल फंक्शन ये प्रूव होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी तमाम और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसी ही हमने बहुत ढेरों सारी हमने वीडियोस अपलोड की हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आप उनको भी देखिए। और दोस्तों इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सिर्फ देखने से ये आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, जब इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब आपको इसको यूज़ करते वक्त एक दो बार आपको प्रॉब्लम भी फेस करेंगी, पर उसको आप 2-3 बार जो वीडियो को आप देखेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।